म्यूजिक वीडियो यहाँ पर लेके आता हूँ। तो आज भी मैं कुछ म्यूजिक से रिलेटेड ही आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक म्यूजिक टीचर भी हूँ और एक सिंगर भी हूँ, तो मैं आज म्यूजिक एजुकेशन को लेकर के मैं बात करूंगा। और आज का जो क्वेश्चन होगा और आज का जो वीडियो है वो है 10th स्टैंडर्ड के लिए। वैसे आप सभी इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आज बताने वाला हूँ आपको संगीत के लिए, लेकिन मैं आज जो बात करूंगा वो 10th क्लास के म्यूजिक के सिलेबस में एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आज इसको सोल्व करके आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत कुछ आपको आज इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो उससे पहले आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले, सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड के बारे में। ठीक है, आज मैं एक ऐसा वीडियो डालूंगा जो कि एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जैसा कि आप सबने बहुत से फनकारों का नाम सुना है, संगीतकारों का, म्यूजिशियंस का नाम सुना है जो कि गायक भी हैं, वादक भी हैं, तो आज मैं ऐसे ही संगीतकार के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 10th क्लास के सिलेबस में भी उनका क्वेश्चन है। और वैसे भी आपको जानना चाहिए क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारे भारत में जिन भी संगीतकारों का जन्म हुआ है उनके बारे में भी जानना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए। तो आज मैं आपको पूरा इस वीडियो में समझाऊंगा। तो आज मैं जिन संगीतकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक महान फनकार जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नाम भी हमने सुना है, मतलब भारत में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना हो। ठीक है, तो आप भी आज ऐसे फनकार के बारे में जानेंगे। तो हाँ, मैं फनकार जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो महान संगीतज्ञ, महान संगीतकार, महान गायक मियां तानसेन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आप सभी के सामने मियां तानसेन जी की बायोग्राफी रखने वाला हूँ। तो आज मैं बहुत बड़े फनकार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ मियां तानसेन जी के बारे में आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है और जिस भी क्लास में ये क्वेश्चन बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें, जितना मुझसे हो पाएगा तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तानसेन जी के बारे में। तानसेन का जीवन परिचय, क्वेश्चन क्या बनता है कि जीवन परिचय जो मैं आज आपको बताऊंगा, बताने के साथ साथ लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बताऊंगा कि जो 10th की नोटबुक है उसमें क्या है और जो मैंने जहाँ से मटेरियल, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ से मैंने पढ़ा है पंजाब यूनिवर्सिटी से, जितना भी मैंने तानसेन जी के बारे में पढ़ा है वो मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकती है क्योंकि लास्ट में मैं आपको उस कन्फ्यूजन के बारे में बताऊंगा, जो मैंने लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है वो मैंने इसमें डाला है, लेकिन 10th क्लास की नोटबुक में कुछ बातें अलग लिखी हुई हैं जो कि मैंने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, किस हिसाब से कर सकते हैं, कि क्या सही है क्या सही नहीं है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी देखते रहिए इस वीडियो को। आइए अब हम चर्चा करते हैं मियां तानसेन के जीवन परिचय पर। भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम ना सुना हो? बिल्कुल ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन्होंने तानसेन का नाम ना सुना हो, जिनका नाम हम संगीत में बिल्कुल उच्च कोटि के स्थान पर रखते हैं। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर, 7 मील दूर मतलब 45 किलोमीटर दूर बेहट नामक गांव में हुआ। तानसेन का जो जन्म है 1506 ईस्वी में होता है ग्वालियर से, एक गांव है 7 मील दूर बेहट नामक जहां पर उनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम मकरंद पांडे था जिनको लोग पांडे जी के भी बोलते थे, मकरंद पांडे, पांडे जी भी बोलते थे। पिता मकरंद पांडे को यह पुत्र मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। एक फकीर है मोहम्मद गौस नाम से जिनके आशीर्वाद से तानसेन का जन्म होता है, उनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। किनको? मकरंद पांडे जी को। इनके बचपन का नाम रामतनु था, रामतनु पांडे इनको बोलते थे। किन्हें? तानसेन जी को रामतनु पांडे बोलते थे। वैसे पढ़ने में ये भी आया कि उन्हें तन्ना मिश्र कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों को अगर हम देखें तो रामतनु ही नाम उनको देखने को मिलता है। तो रामतनु पांडे उनका नाम था जिनको बचपन में उनको तनु भी कहते थे, रामतनु। शुरू से ही तानसेन में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। दूसरों की नकल क्या करते थे? बालक तनु, पशु पक्षियों की,
सच्ची नकल क्या करते थे, मतलब पशु पक्षी जानवर जो भी हैं उनकी सच्ची नकल, हूबहू नकल कर दिया करते थे, जिससे लोग डर जाया करते थे, डरा दिया करते थे वो। तो एक बार होता क्या है, एक बार स्वामी हरिदास जी, जो कि वृंदावन के महागुरु हैं, स्वामी हरिदास जी अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। उसी गांव के पास जंगल था, वहां से गुजर रहे थे, भजन कीर्तन करते हुए निकल रहे थे। तो होता क्या है, नटखट तनु मतलब तानसेन ने एक पेड़ के पीछे छिपकर शेर की आवाज़ निकाल कर उन सभी को डराने लगे। थोड़ी देर के बाद तानसेन हंसते हुए हरि स्वामी हरिदास के सामने आए। स्वामी हरिदास ने बालक तनु की इस प्राकृतिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए अपने साथ वृंदावन ले गए। वृंदावन जाने के बाद उन्होंने 10 वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जब पिता की बीमारी का समाचार सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर वापस आ गए। पिता की मृत्यु के बाद स्वामी हरिदास की आज्ञा से तानसेन मोहम्मद घोष के पास रहने लगे। मोहम्मद घोष के पास रहने का कारण बच्चों ये था, क्योंकि मकरंद पांडे जी ने यह कहा था कि बेटा, मोहम्मद गोस जो फकीर हैं उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर पूरा रहा है, उनकी उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, तो आप उनकी सेवा करना और अपने गुरु स्वामी हरिदास से आज्ञा लेकर तानसेन मोहम्मद गोस के पास रहने लगते हैं। तो हम अभी बात करेंगे, ग्वालियर में तानसेन का परिचय राजा मानसिंह की विधवा रानी मृगनैनी से होता है। राजा मानसिंह है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी रानी है जो विधवा है, रानी मृगनैनी से होता है, जो कि एक विदुषी गायिका थी, बहुत अच्छा गाती थी वो। तानसेन कभी कभी उनका गायन सुनने मंदिर जाया करते थे, मंदिर में उनका गायन होता तो तानसेन सुनने जाते थे। रानी भी तानसेन की संगीत प्रतिभा से परिचित हुई और उन्होंने अपनी दासी हुसैनी से तानसेन की शादी करवा दी, जो स्वयं एक मधुर गायिका थी। तानसेन के 4 पुत्र सूरत सेन, शरद सेन, तरंग सेन, विलास खां तथा सरस्वती नाम की एक पुत्री हुई। सभी बच्चे संगीत कला के संस्कार लेकर बड़े हुए और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार रहे। तानसेन के कुशल गायक बनने के बाद इनकी नियुक्ति राजा रामचंद्र के दरबार में हुई। जब तानसेन ने रियाज कर संगीत की महारत को हासिल किया, जब संगीत शिक्षा ले ली और कुशल गायक बन गए, तो उनकी जो सिलेक्शन है, जो उनकी नियुक्ति होती है, राजा रामचंद्र के दरबार में हो जाती है। तानसेन की गायन की प्रशंसा जब मुगल सम्राट अकबर ने सुनी, तो उन्होंने राजा रामचंद्र से तानसेन को भेजने का आग्रह किया। अकबर के दरबार में तानसेन का गायन हुआ और उनके गायन से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में राज गायक नियुक्त कर लिया और अपने नवरत्नों में भी शामिल कर लिया। तानसेन ने कई ध्रुपदों की रचना की। गायन शैली है ध्रुपद, ख्याल, धमार, ऐसे बहुत सी गायन शैली आपने सुना होगा। तो ध्रुपद, जो कि प्रबंध गायन के बाद ध्रुपद की जो एंट्री हुई थी हमारे संगीत में, तो तानसेन ने कई ध्रुपदों की रचना की। कई राग जैसे दीपक राग, मियाँ की तोड़ी, मेघ मल्हार आदि की रचना की और उन्हें सिद्ध भी किया। कहा जाता है कि ईर्ष्या स्वरूप दरबार के अन्य गायकों ने अकबर से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, तानसेन से दीपक राग सुना जाए। इतने विख्यात हो गए थे तानसेन कि जो भी अन्य गायक थे दरबार में, वो सभी उनसे चिढ़ने लगे थे, मतलब उनको जलन होने लगी, ईर्ष्या करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया और उन्होंने एक योजना निकाली कि हम महाराज अकबर से कहेंगे कि तानसेन से दीपक राग सुनने के लिए कहा जाए। अकबर के आग्रह करने पर तानसेन को दीपक राग सुनाना पड़ा। राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी, चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी, श्रोतागण इधर उधर भागने लगे और तानसेन का शरीर जलने लगा। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने राग मेघ मल्हार गाकर अपने पिता की रक्षा की।
तो बच्चों, तानसेन ने जब अकबर को कहा कि महाराज दीपक राग अगर मैं गाऊंगा तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं दीपक राग गाऊंगा तो गर्मी उत्पन्न हो सकती है, उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से बहुत हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अकबर नहीं माने तो उन्होंने उनको आज्ञा दी, तानसेन को उनकी आज्ञा माननी पड़ी और उनको दीपक राग सुनाना पड़ा। दीपक राग सुनाते ही क्या हुआ, चारों ओर गर्मी बढ़ गई, सभी श्रोतागण डर के भागने लगे, तानसेन का शरीर जलने लगा। और कहते हैं कि जो उनकी पुत्री है सरस्वती, उन्होंने मेघमलार नामक एक राग गाया और जिसकी वजह से तानसेन की जान बच पाई। तानसेन कुशल गायक ही नहीं बल्कि रबाब नामक वाद्य बजाने में भी निपुण थे। एक इंस्ट्रूमेंट है रबाब नामक, उनका उन्होंने उस वाद्य को भी बजाया। कुछ लोगों का विचार है कि तानसेन कुछ समय बाद मुस्लिम हो गए, इसलिए अपने रागों के सामने मियाँ शब्द जोड़ने लगे। कहते हैं कि तानसेन जो पंडित थे एकदम से मुस्लिम हो गए और अपना धर्म परिवर्तित करने के बाद, मुस्लिम होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने शब्द के सामने, अपने नाम के सामने भी मियाँ जोड़ा और लोग उन्हें सब मियाँ मियाँ कर कर बोलते थे। और उन्होंने क्या किया, अपने रागों के सामने भी उसके आगे मियाँ शब्द लगाने लगे। जैसे तोड़ी थी तो मियाँ की तोड़ी हो गई, मल्हार ही मियाँ की मल्हार हो गई, सारंग मियाँ की सारंग हो गई। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार तानसेन ने मोहम्मद गौस, जो कि उनके फ़कीर हैं, मोहम्मद गौस की स्मृति में, उनकी याद में अपने रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द लगाए। तानसेन ने ग्वालियर की संगीत कला के इतिहास में अपूर्व योगदान दिया। तानसेन की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैलने से वे विश्व विख्यात संगीतकार बने। इस प्रकार संगीत की सेवा करके 1585 ईस्वी में दिल्ली में एक महान संगीतकार तानसेन का देहांत हो गया। इनकी समाधि ग्वालियर में मोहम्मद गौस की कब्र के पास बनाई गई। प्रतिवर्ष मतलब हर साल इनकी याद में, इनकी स्मृति में ग्वालियर में उत्सव मनाया जाता है और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हाँ जी, तो आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से तानसेन के बारे में बताया और आपको समझ में भी आया होगा, मुझे पता है। लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न, जो कि मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि तानसेन के जो जन्म के बारे में हमें भी सत्य नहीं पता है कि क्या है। लेकिन जहाँ तक पढ़ने में आया है 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी के अंदर उनका जन्म होता है, ठीक है, और उनकी मृत्यु 1585 सेंचुरी में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं आज थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा, 10th क्लास की जो नोटबुक है जिसके अंदर मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें से जैसे क्वेश्चन ये बनेगा कि तानसेन जी का जन्म कब होता है, तो तानसेन जी का जन्म मैंने आपको बताया है 1506 ईस्वी के अंदर, जो कि मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन आप अगर 10th क्लास की बात करें तो तानसेन जी का जन्म 1532 ईस्वी में वो बताते हैं, 1532। अगर 1532 ईस्वी में तानसेन जी का जन्म हुआ है तो 1585 में उनका देहांत हो गया, इस हिसाब से 53 ईयर मतलब वो रहे, ठीक है, और उन्होंने अपना संगीत का जादू चारों ओर बिखेरा है, तो ये उनका हिसाब बनता है। लेकिन मैं 1506 ही आपको बताना चाहूँगा, प्रेफर मैं करता हूँ 1506, जो कि मैंने अच्छे से पढ़ा भी है इसके बारे में। और लेकिन आप जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो 1532 ईस्वी ही लिखें, ठीक है, 1532 ईस्वी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि तानसेन जी का जन्म कब हुआ था, तो वहां पर ऑप्शन आपको 1506 ईस्वी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने भी क्वेश्चन पेपर बनाया होगा तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कहाँ से बनाया है। अगर वो क्वेश्चन पेपर उन्होंने बिल्कुल रियलिटी को देख करके, परख करके उन्होंने बनाया तब तो बात अलग है, तो 1506 ही देंगे। लेकिन अगर उन्होंने 10th क्लास की जो नोटबुक है या बुक है उसको देख करके उन्होंने अगर बनाया है, ठीक है, तो वो 1532 ईस्वी लिखेंगे। तो तानसेन जी का जन्म कब हुआ, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा और उसके अंदर चार ऑप्शन होंगे, तो चार ऑप्शन में आपको कहीं भी 1506 ईस्वी देखने को नहीं मिलेगा, तो 1531, 32, 33, 34 जो भी मतलब आसपास का मिलेगा, लेकिन 1532 आपको जरूर मिलेगा। तो 1532 पर आपको टिक कर देना, 1532 उनको करना है जो 10th क्लास का एग्जाम देंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें 1532 ही पूछेंगे, तो आप 1532। बाकी जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्तों,
तो आप सभी को 1506 ईस्वी को ही समझ लेना है, ठीक है। एक उनका जो बचपन का नाम जो मैंने पढ़ा है वो है राम तनु पांडे, ठीक है। राम तनु उनको बोला जाता था बचपन में, उनको तनु भी कहते थे प्यार से, तनु, राम तनु, जो कि ओरिजिनल है और नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बात करें 10वीं क्लास के बारे में, अगर आप 10th क्लास की नोटबुक उठा लें, 10th क्लास की बुक उठा लें, तो वहां पर उनका नाम बचपन का तन्ना मिश्र है, बालक तन्ना कहा जाता था उनको, तन्ना मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन थे, एक तो जैसे कन्फ्यूजन यही है कि उनका बचपन का नाम क्या है, तो उनका बचपन का नाम राम तनु है, तनु बोलते हैं, लेकिन 10th क्लास के स्टैंडर्ड में, 10th क्लास की जो नोटबुक है उसमें तन्ना मिश्र है। तो जो 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो तन्ना मिश्र ही कीजिए, ठीक है। तन्ना मिश्र आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा तो राम तनु कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 10th क्लास की नोटबुक से अगर बन गया तो आपको दोनों याद कर लेने, एक तरह से 1506 ईस्वी याद भी कर लेना है और 1532 भी याद कर लेना है। वैसे ही आपको इनका नाम भी याद कर लेना है कि राम तनु पांडे और तन्ना मिश्र, तो ये दोनों ही सही हैं अगर आप एग्जाम देंगे। वैसे मैं राम तनु पांडे को ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि राम तनु पांडे मेरे लिए बेस्ट रहेगा, जो कि मैंने पढ़ा है, ठीक है, मेरे लिए सही है राम तनु पांडे। और बाकी ऐसा और कोई कन्फ्यूजन इसमें है नहीं, तो आप सब अच्छे से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। दो तीन छोटे मोटे कन्फ्यूजन हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप सभी देख लीजिए। और आई थिंक आप सभी को ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने 10th स्टैंडर्ड के लिए ही बनाया है। और जो म्यूजिक लवर हैं, जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, जिनको एग्जाम नहीं देने, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको भी पसंद आया होगा। तो आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, और पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।